नमस्कार, माँ क्रिएशन आर्ट चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मॉलडिट के द्वारा बनाए हुआ कुछ इयररिंग्स दिखा रही हूँ और नेक्स्ट सेट भी, जिसके लिए मैं मॉलडिट ली हूँ। मॉलडिट को मिक्स करके अच्छी तरह से और फिर उसको बेलना के सहारे से बेल ली हूँ अपने जितना मुझे चाहिए था। उसके बाद एक ढक्कन के सहारे से, मैं तो गोल्ड शेप दी हूँ, आप अपने मन चाहे अनुसार शेप दें। उसके बाद सबसे पहले उसमें होल कर ली हूँ इयररिंग्स का हुक लगाने के लिए। उसके बाद फेविकॉल लगा करके उस बेस पे फेविकॉल लगाई हूँ। उसके बाद छोटे छोटे एक मॉल्डेड का एक शेप ले करके और उसको फ्लावर का शेप दे रही हूँ ऊपर से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मॉल्डिट का काम करते हुए हम लोगों को जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि मॉल्डिट बहुत जल्दी सूख जाता है। तो आप उतना ही मॉल्डिट लें जितना कि आप यूज़ कर सकें, थोड़ी देर थोड़े समय में ही यूज़ कर सकें उतना ही मॉल्डिट लें आप। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा फ्लावर तैयार हो गया है। उस पर अब मैं थोड़ा डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, जो घर में आसानी से बहुत सारी चीज़ ऐसे यूजलेस चीज़ मिल जाते हैं, जिसके द्वारा ही मैं उस पर डिज़ाइन थोड़ा बना रही हूँ। मॉल्डिट पे वर्क नहीं बहुत ज़्यादा गीले पे हो सकता है, नहीं बहुत ज़्यादा सूखने के बाद होता है, इसलिए इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब थोड़ा सा हार्ड हो जाए उसके बाद वर्क शुरू करें। आप देख पा रहे होंगे मेरा मॉल्डिट का काम हो गया है और अब मैं उसमें कलर फिल कर रही हूँ, बेस कलर फिल कर रही हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे कलर का यूज़ की हूँ अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार बहुत सारे कलर फिल की हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और कभी भी एक कलर के साथ दूसरे कलर को जब तक सूख न जाए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे पे कलर चढ़ जाता है, फिर आपका ख़राब हो जाएगा वो। अभी मैं जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने एक साथ 6-7 इयररिंग का सेट तैयार कर रही हूँ, इयररिंग और नेक पीस का सेट तैयार की हूँ। तो सबका पहले मैं बेस कलर डाल रही हूँ, जब वो सूख जाएगा तो फिर ऊपर से उसका और भी कलर जो हम अच्छा लगेगा उस पर वो कलर डालेंगे। मॉल्डिट और मॉल्डिट को कलर करने के लिए यहाँ पे स्पेस हमारा एरिया बहुत कम है, इसलिए सबसे पतले वाले ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे वो रेड कलर हमारा सूख गया है बेस कलर, तो उसके ऊपर से मैं दूसरा कलर डाल रही हूँ। और इकट्ठा ही अपने मन अनुसार जैसा भी अच्छा लगे आपको, आप भी डाल सकते हैं कलर। मैं एक बार में सभी फ्लावर का कलर करके यूज़ कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर उसका डिटेलिंग करूँगी। अभी मेरे पास जो भी कलर थे उनका सभी का इस्तेमाल कर ली हूँ, जिस पे जो कलर डालना था। अभी लिफ का कलर हो रहा है, लिफ का सभी पे एक ही कलर का यूज़ किया गया है। उसके बाद फिर से लिफ पे सेट दिया गया है, कलर सूखने के बाद उसको हल्के कलर, या हल्के कलर कर रहे हैं तो फिर डार्क सेट से उसको यूज़ करना है, कलर का डिटेलिंग करना है अपने फ्लावर का, लीफ का। जैसा कि आपने देखा कि डार्क ग्रीन पे मैं लाइट ग्रीन से लीफ का डिटेलिंग दी हूँ और येलो पे ऑरेंज से डिटेलिंग दे रही हूँ। अभी लगभग मेरा सभी
पे कलर का काम हो चुका है, इसको मैं अच्छे से सूखने दूंगी। उसके बाद फिर इस पे मैं ईयर हुक लगाऊंगी और फिर नेक सेट के लिए मोती और थ्रेड के द्वारा बनाऊंगी उसे। ये हमारा बनकर सेट तैयार है, रेडी हो गया है। देखिए आप लोग कैसा लग रहा है, और कमेंट करके अच्छा लगेगा तो ज़रूर ही बताइएगा कैसा लगा, और आप लोग भी ज़रूर ही ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।